अब मैं रेस कराने वाला हूँ सुपर फास्ट बुगाटी कार वर्सेस रेसिंग ऑटो रिक्शा के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता। ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से बुगाटी कार पीछे हो चुकी है और ऑटो रिक्शा ने इसको ओवरटेक कर लिया। मेरे को नहीं लगा था गाइस यहाँ पे ऑटो रिक्शा बिल्कुल भी जीत पाएगा इतनी फास्ट कार से। हेलो गाइस, ये है एक रिमोट कंट्रोल चलने वाला ऑटो रिक्शा। इस तरह के रियल वाले ऑटो रिक्शा आपने शायद बहुत सारे देखे होंगे, पर आज की वीडियो में मैं ऐसा रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ऑटो रिक्शा दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप हैरान रह जाओगे। इसको बोलते हैं रेसिंग ऑटो रिक्शा। ये भी रिमोट से चलता है पर ये एक मॉडिफाइड और मॉडर्न ऑटो रिक्शा है। आप इसके साथ रेसिंग वगैरह करा सकते हो। तो भाई दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स भी दिए गए। इसको मैंने 5000 रुपीस में खरीदा। आज मैं रेसिंग ऑटो रिक्शा की बहुत सारी चीजों के साथ फाइट कराने वाला हूं। जैसे कि ये एक नॉर्मल ऑटो रिक्शा है, इसको मैंने अपग्रेड करके इसको सुपर फास्ट बना दिया है गाइस, और भी बहुत सारी चीजें। चलो फटाफट से आपको एक बार दिखाता हूं। तो ये है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट KTM ऑटो रिक्शा। इसका कलर पूरा का पूरा KTM बाइक जैसा ही दिया गया है। ऑरेंज एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ये मिलता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो एक बहुत ही कमाल की चीज ये है सुपर फास्ट बुगाटी वेरॉन ग्रैंडे स्पोर्ट वेटीसी आरसी कार। इसका लुक देखो यार कितना ज्यादा कमाल का। आज इन सबके बीच में मैं कराने वाला हूँ फाइट। देखते हैं गाइस आज इन सब में से कौन जीतता है रेस में, पुशबैक में और टगऑफर में। तो चलो फटाफट से ये जो रेसिंग ऑटो रिक्शा है इसको पहले मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। इसको ओपन करने से पहले इसके क्या क्या मेन फीचर्स है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो इतने ढेर सारे इसके अंदर मेन फीचर्स दिए गए और तो और इसके अंदर पीछे की तरफ एक बहुत ही कमाल का बूस्टर सिस्टम भी दिया गया है। ये सिर्फ एक कलर में ही मिलता है, रेड एंड ग्रे कलर। यहाँ से मैं बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ। तो अब निकालते हैं हमारे रेसिंग ऑटो रिक्शा को बॉक्स के अंदर से बाहर। देखते हैं क्या आज ये ऑटो रिक्शा हमारे नॉर्मल ऑटो रिक्शा को रेस में हरा पाएगा या फिर नहीं। ओ भाई साहब इसके अंदर से तो बहुत सारी चीजें निकल रही है, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका यूजर गाइड है, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे इसके बैटरीज है, दो रिचार्जेबल बैटरीज इसके साथ मिले हैं। यहाँ पे छोटे छोटे एक्स्ट्रा टायर्स भी दिए गए ताकि ये बैलेंस में रह के चल सके। और ये है इसका चार्जर। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो इसके साथ अलग अलग स्टंट कराने के लिए और इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के रोड पे रखने के लिए कोन्स वगैरह भी दिए गए। तो चलो फटाफट से यहाँ से मैं आपको ये ऑटो रिक्शा निकाल के दिखा देता हूँ। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट इसके साथ मिलता है। स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की है, ऊपर की तरफ बहुत सारे फंक्शन है जैसे कि यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। स्टीयरिंग की सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है, इसके अंदर म्यूजिक का भी स्विच मिलता है और स्प्रे स्विच भी दिया गया। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। 3 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। अब निकालते हैं हमारे रेसिंग ऑटो रिक्शा को। ओ माय गॉड भाई साहब क्या ही कमाल का ये दिखाई दे रहा है यार। पीछे से तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बूस्टर वगैरह इसके अंदर लगा दिए हैं लोगों ने। यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स भी है बूस्टर के चारों तरफ। तो ये इसका एग्जॉस्ट है, दो एग्जॉस्ट इसके अंदर दिए गए। सामने की तरफ से इसका लुक देखो यार कितना ज्यादा कमाल का, एक मॉडर्न ऑटो रिक्शा जैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ दो दो हेडलाइट्स इसके अंदर दिए गए, इसका नंबर है 07। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए देखो इस तरह का एक बार भी देखने को मिल जाता है। सामने सिंगल व्हील है जैसे कि ऑटो रिक्शा के अंदर होता है। डुअल सस्पेंशन भी सामने की तरफ दिया गया है, मजा आ गया गाइस। अंदर एक राइडर भी बैठा हुआ है ऑटो रिक्शा के और इसका हेड देखो इस तरह से हिलते रहता है हर समय क्योंकि हेड के अंदर एक स्प्रिंग दी गई है। ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी दिया गया है ताकि ये स्टेबल तरीके से चल सके। तो ओवरऑल दिखने में काफी ज्यादा मस्त है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है। नीचे की तरफ यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे हम लोगों को इसकी रिचार्जेबल बैटरी लगानी पड़ती है। पीछे के व्हील्स काफी ज्यादा बड़े साइज के जैसे कि एक आरसी कार के अंदर होते हैं, इसी तरह के ऑफ रोड वाले व्हील्स दिए गए। सामने का व्हील जो है थोड़ा सा छोटा है, बाकी देखते हैं आज ये कितनी स्पीड से चलेगा। यहाँ पे हम लोगों को पानी डालना पड़ता है का बूस्टर एक्टिवेट करने के लिए। दोस्तों अभी KTM ऑटो रिक्शा को अनबॉक्स करते हैं। दिखने में तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, अभी टॉप स्पीड काफी ज्यादा दी गई है। इसको मैंने शायद लगभग 4000 रुपीस में खरीदा था ऑफलाइन मार्केट से, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो एक KTM ऑटो रिक्शा को खरीद भी सकते हो। ओ माय गॉड इसका लुक देखो यार कितना ज्यादा गजब का है, पर इसके अंदर सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता है। यहाँ पे देखो सिंगल सीट इसके अंदर दी गई है। सामने से तो इसका लुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका सामने का व्हील देखो काफी ज्यादा बड़े साइज का दिया गया और कंप्लीटली रबर का व्हील्स है। हेडलाइट इसकी काम करती है प्रॉपर तरीके से। इसका टर्निंग मैकेनिज्म देखो यार इस तरह का होता है, सामने का व्हील इसका टर्न नहीं होता है। इसके व्हील्स जो है इस तरह से टिल्ट हो जाते हैं तब जाकर हम इसको टर्न करा सकते हैं। रिमोट भी दिखा देता हूँ, ये इसका रिमोट है। सिंगल हैंड से रिमोट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट मिलता है इसके साथ। अब मैं
अनबॉक्स करने वाला हूँ बुगाटी वेरॉन ग्रैंड स्पोर्ट वीटीसी। काफी बड़ा नाम है यार ये कार का। ये ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार है, इस वजह से गाइस मेरे को लगता है आज ये कार बहुत फास्ट दौड़ने वाली है। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे देखो यार इसका कलर जो है काफी ज्यादा कमाल का है। जब आप इसको धूप में लेके जाओगे ना यार, तब देखना यार इसका कलर जो है काफी डिफरेंट तरीके से चेंज हो जाता है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्लिटर की शाइनिंग भी दी गई है। ये इसके व्हील्स है, सामने के व्हील्स पीछे के व्हील्स काफी बड़े साइज के है। सामने हेडलाइट्स भी है और ये हेडलाइट काम करती है। यहाँ पे बुगाटी का लोगो भी देखने को मिल जाता है। अंदर की तरफ देखो पूरा का पूरा एक रियल कार जैसा ही फील यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टीयरिंग है, यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है, गियर नॉब है, सीट्स वगैरह है, पीछे इसका इंजन भी है, पीछे की टेल लाइट है और ये टेल लाइट काम भी करती है। यहाँ पे वीटीसी की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे की तरफ यहाँ पे इसके अंदर सेल्स डालने पड़ते हैं इसको चलाने के लिए। अब इसके बारे में बताता हूँ, पहले ये जो ऑटो रिक्शा है बहुत स्लो चला करता था। अब इसकी मोटर मैंने चेंज कर दी है, ईएसई चेंज कर दिया है और इसका रिमोट तक चेंज कर दिया है मैंने। इसके अंदर हम लोगों को सेल्स डालने पड़ते थे। अब देखो यार मैंने 7.4 वोल्ट की बैटरी लगा दी है इसके अंदर। बहुत सारे चेंजेस करने के बाद काफी ज्यादा डिफरेंट फाइट होने वाली है इनके बीच में, क्योंकि इसके अंदर चार व्हील्स लगे हैं, बाकी ये तीनों के अंदर तो तीन तीन व्हील्स लगे हैं। देखते हैं गाइस आज इन सभी में से कौन जीता है। लेट्स गो। सबसे पहले रेसिंग ऑटो रिक्शा को ऑन करते हैं। नीचे की तरफ ऑन ऑफ स्विच है, ऑन करते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो चुकी है और इसकी आवाज सुनो, बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार जैसी आवाज इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे इसका बूस्टर का बटन है, जैसे ही मैंने प्रेस किया है इसका बूस्टर ऑन हो चुका है और इसके अंदर से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है और चारों तरफ एलईडी लाइट्स भी दी गई है। चलो अभी इसको एक बार चला के देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो काफी स्ट्रगल तरीके से चल रहा है। मेरे को लगा था कि इसके अंदर थ्री व्हील्स होने के कारण ये पलट जाएगा टर्न कराते समय, पर इतना ज्यादा ये स्ट्रगल चल रहा है कि क्या ही बताऊं भाई साहब, मजा आ गया इसको तो चला के। इसकी स्पीड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि गाइस इतनी ज्यादा होगी। देखो मैं इसके पीछे कैमरा लेकर दौड़ तक नहीं पा रहा हूँ यार। ये जो रेसिंग ऑटो रिक्शा है बहुत ज्यादा कमाल का है, इसकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा है। ये देखो इस तरह के स्टंट्स वगैरह भी कर रहा है। सच में यार आज डबल मजा आ गया मेरे को तो इसको चला के। अब ये ऑटो रिक्शा को मैं टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं इसको मॉडिफाई करने के बाद इसकी स्पीड कितनी ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। ओ माय गॉड गाइस, ये तो व्हील ही करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैं ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ देखो सामने का व्हील पूरी तरीके से ऊपर उठने लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अपडेट करने के बाद इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओ तेरी भाई, सीधा कैमरे से टकरा गया यार। ये तो अभी तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। इसकी टॉप स्पीड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखते ही देखते इधर से उधर निकल चुका है, काफी खतरनाक बन चुका है ये ऑटो रिक्शा। केडीएम ऑटो रिक्शा को मैं चलाने वाला हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रोड के ऊपर पलट चुका है, ये बिल्कुल भी पलटा नहीं है यार। देखो मैं जैसे ही स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो ये अपने आप ही सीधा भी हो जाता है। इसको टर्न कराने का स्टाइल काफी ज्यादा डिफरेंट है। मेरे को लगा था कि गाइस इसके भी व्हील छोटे होने के कारण मैं जैसे इसको टर्न कराऊंगा हाई स्पीड में ये पलट जाएगा, पर देखो मैं आपको हाई स्पीड में टर्न करा के बताता हूँ कितनी स्मूथली ये टर्न हो चुका है भाई साहब। सामने से तो इसका लुक काफी ज्यादा मॉडर्न, काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नजर आ रहा है। इसको चलाने में भाई अलग लेवल का मजा आता है। अब मैं बुगाटी वेरॉन वीटीसी आरसी कार को चलाने वाला हूँ। ये एक ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार है, इस वजह से ये बहुत स्मूथली रोड के ऊपर चलती है। ऐसा लग रहा है कि यार मैं कोई रियल कार ड्राइव कर रहा हूँ। इसको भी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये बहुत ही कमाल की दिखाई देती है जब रोड पे चलती है तो। अब मैं रेस कराने वाला हूँ सुपर फास्ट बुगाटी कार वर्सेस रेसिंग ऑटो रिक्शा के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। ऑटो रिक्शा थोड़ा सा आगे निकल गया था, पर आपको पता होगा बुगाटी कार कितनी ज्यादा फास्ट होती है। बुगाटी ने इसको ओवरटेक कर लिया है। अब ऑटो रिक्शा ने अपना बूस्टर ऑन कर लिया है। देखते हैं ऑटो रिक्शा इस तक पहुंच पाता है। ओ माय गॉड, ऑटो रिक्शा देखो और इसको धक्का मार के साइड में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे को नहीं लगा था कि बुगाटी कार तक ये पहुंच पाएगा, पर यार ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से बुगाटी कार पीछे हो चुकी है और ऑटो रिक्शा ने इसको ओवरटेक कर लिया है। मेरे को लगाता है गाइस यहाँ पे ऑटो रिक्शा बिल्कुल भी जीत पाएगा इतनी फास्ट कार से, पर ऑटो रिक्शा ने इसको हरा दिया है रेस में। अब होगी रेस रेसिंग ऑटो रिक्शा वर्सेस केडीएम ऑटो रिक्शा के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। रेसिंग ऑटो रिक्शा ने धक्का मार के केडीएम ऑटो रिक्शा को थोड़ा सा पीछे कर दिया, पर केडीएम ऑटो रिक्शा भी कुछ कम है नहीं देखूंगा जिसके पीछे पड़ा हुआ है। पर यहाँ पे अब जैसे ही मैंने बूस्टर डाला है क्लियरली रेसिंग ऑटो रिक्शा काफी ज्यादा आगे निकल गया है। वापस से रेस इसने जीत ली है। अब होगी फाइनल रेस रेसिंग ऑटो रिक्शा वर्सेस मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता। ये मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओ भाई साहब, ये पलट गया था, झाड़ियों में भी घुस चुका है यार। ये बहुत ज्यादा फास्ट है, पर इसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर प्रेस किया है इसने बहुत इजीली रेसिंग ऑटो रिक्शा को ओवरटेक कर दिया है और बहुत ज्यादा आगे निकल गया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये रेसिंग ऑटो रिक्शा को रेस में हरा देगा। ओ भाई साहब, इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद।
अब मैं पावर टेस्ट कराने वाला हूँ, इन दोनों को टकराऊंगा गाइस। यहाँ पे देखो यार, दोनों के बीच में मैंने जैसे ही टक्कर लगाई है, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है और यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो चुका है। अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं टग ऑफ वॉर में कौन जीता है। यहाँ पे KTM ऑटो रिक्शा बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है, बहुत आराम से इसको घसीट के लेके जा रहा था, पर अचानक से ये पलट गया है। इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पे रेसिंग ऑटो रिक्शा ने इसको खींचना चालू कर दिया है। ओ भाई साहब, रेसिंग ऑटो रिक्शा काफी ज्यादा पावरफुल है। ओके गाइस, अब ये रेसिंग ऑटो रिक्शा मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं, देख लेते हैं। देखो ये जंप करता हुआ आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे जैसे ही रेसिंग ऑटो रिक्शा ने इसको टक्कर मारी है, मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा एकदम जंप करके यहाँ पे पलट चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर भी करा के देखते हैं इस बार कौन जीता है। क्लियरली यहाँ पे इस बार मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा बहुत आराम से रेसिंग ऑटो रिक्शा को घसीट के लेके जा रहा है। लास्ट टाइम पता नहीं यार ये जंप करते करते क्यों अनबैलेंस हो गया था, इस बार देखो यार इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी है भाई साहब। ये क्या ही खतरनाक तरीके से व्हीली कर सकता है। अब देखते हैं क्या ये मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा इतनी खतरनाक बुगाटी कार को भी हरा पाएगा या फिर नहीं। ऑटो रिक्शा पूरी कोशिश कर रहा है बुगाटी कार को रोककर अपनी तरफ खींचने के लिए, और ये धीरे धीरे तरीके से बुगाटी कार को अपनी तरफ खींच भी रहा था, पर इसका बैलेंस यहाँ पे खराब हो चुका है। क्लियरली बुगाटी के अंदर फोर व्हील्स होने के कारण ये बहुत स्टेबल तरीके से चल रही है और इसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा है। क्लियरली इसने ऑटो रिक्शा को हरा दिया है टग ऑफ वॉर में। अब देखते हैं ये बुगाटी कार कितना ज्यादा लोड खींच सकती है। देखो यहाँ पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर मैंने तीनों ऑटो रिक्शा को रख दिया है। देखते हैं क्या बुगाटी कार इन तीनों का वेट खींच पाएगी या फिर नहीं। बुगाटी कार पूरी कोशिश कर रही है खींचने के लिए, इसके व्हील्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, और देखो ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं चल पा रही है, थोड़ा सा राइट की तरफ जा रही है। अब तो यार ये पूरी तरीके से रुक चुकी है, मेरे को लग रहा है इसकी मोटर बहुत ज्यादा ओवरहीट हो चुकी है। अब देखो वापस जैसे ही मैंने इसको नीचे रखा है वापस ये चलने लगी है, पर ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये ज्यादातर राइट की तरफ ही जा रही है। अब मैं रेसिंग ऑटो रिक्शा के साथ भी सेम टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं इतना ढेर सारा वेट ये ऑटो रिक्शा खींच पाएगा या फिर नहीं। ये धीरे धीरे करके खींच के लेके जा रहा है, मेरे को नहीं लगा था गाइस ये ऑटो रिक्शा इतना ज्यादा वेट भी खींचेगा। अब देखते हैं ये मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा इतना वेट खींच पाएगा या फिर नहीं। यार ये तो शुरुआत से ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, देखो ये बहुत आराम से इतना ज्यादा वेट भी खींच रहा है क्योंकि इसकी स्पीड भी ज्यादा है और इसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे क्लियरली मेरे को मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा बहुत ज्यादा कमाल का लगा। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये इतने ढेर सारे ऑटो रिक्शा में से कौन सा ऑटो रिक्शा अच्छा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है अनीश, युवराज, अव्यय, कशान, वरुण, अर्श, सतीश, सुमन, मितेश, सोएब। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।